अस्सलाम वालेकुम दोस्त। आज मैं आपको फाइल के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लेटेस्ट वर्जन जो होते हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उनसे हदायत की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इसके ऊपर अमल करें ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो। और जिन लोगों के पास ये लो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका लेटेस्ट जो होता है वो सॉफ्टवेयर जा रहा होता है 2017, 18, 20, 22 जो उन्होंने इंस्टॉल किए होते हैं, ये उन लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो फाइलें हैं वो ओपन नहीं होती है। तो मैं एक ऑप्शन बताता हूँ कि आप उसके ऊपर अमल करिएगा, और ताकि जिनके पास ये फाइल ओपन नहीं होती है कैड की, तो वो ऑटोकैड की फाइल जो है वो उसके ऊपर ओपन कर सकते हैं। तो उसका तरीके का दोस्त ये है कि आपने करना क्या होता है, आप OP लिख कर इंटर करें, आपके पास ऑप्शन जो है वो उसकी टेबल जो है वो ओपन हो जाएगी। तो दोस्त उसमें आपने करना क्या, आपने इधर आकर जब ये ओपन हो जाए तो यहाँ पे आकर आपने ओपन एंड सेव को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ ये जो आ जाएगी ऑप्शन 2018 भी फिलहाल है, तो आपने इधर आकर यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने कोई लो सॉफ्टवेयर है जो जिसकी मीन के आप सॉफ्टवेयर में क्लिक कर दे, जैसे 2007 है या मीन के 2010 है, 2013 है। अभी जैसे मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है ये आपको नजर भी आ रहा होगा, जिधर ये कर्सर है ये है 2018, और इसका मीन के इस करने का ये मकसद ये है कि अगर मैं किसी को यहाँ पे मेल जो है वो सेव कर दूं, तो वो जो भी फाइल होगी उसमें सेव करूंगा और वो मैं मेल कर दूंगा, और जो जिसको मैंने मेल किया है उस बंदे के पास वर्जन जो होगा वो एक एग्जाम्पल है कि उसके पास होगा 2016, 14 या 13, 12 वाट एवर जो भी है, तो ये उसके पास फाइल ओपन नहीं होगी। तो इसको मतलब परमानेंट करने के लिए जो इसका ऑटोकैड का ये होता है कि जब आप फाइल को आपके पास सॉफ्टवेयर बड़ा है लेटेस्ट है और जिसको मेल कर रहे हैं उसके पास लेटेस्ट नहीं है, तो उसके पास वो फाइल ओपन नहीं होगी। तो ये करने से जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन में जाकर ओपन एंड सेव में जाकर आपने यहाँ पे आके आपने किसी भी छोटे मतलब के डेट के ऊपर जो सॉफ्टवेयर है आपने उसको वहां पे सेव कर लेने के, एग्जांपल है कि मैं आप यहाँ पे कर देता हूँ 2007 में, 2007 में मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और मैंने क्या किया यहाँ पे आके मैंने अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। तो दोस्त जैसे ये जो फाइल है इसको मैंने अब सेव करूंगा या मीन के सेव एज करूंगा, तो वो आपकी जो फाइल है वो सेव एज हो जाएगी, और जैसे सेव एज करते हैं आप वो आप जो है वो होगी 2007 के अंदर जैसे मैंने किया। तो मैं इसको अगर मीन के यहाँ पे आके अब यहाँ पे आके इसको मैं सेव एज की ऑप्शन देता हूँ, तो सेव एज की ऑप्शन देने से ये क्या होगा, एक मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। या मैंने डेस्कटॉप के ऊपर जाकर मैंने आज मीन के इसको मैंने 2525 के नाम पे मैंने सेव कर दिया, तो ये डेस्कटॉप के ऊपर चली तो गई है। ये देखे 2007 के अंदर ये जो फाइल है ये चली गई है, ये पड़ी हुई जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये 2525 के नाम पे ये फाइल है। तो दोस्त ये जो फाइल है ये सेव हो गई है 2007 में। अब इसको मैं जिसको भी मेल करूंगा जिसके पास सॉफ्टवेयर मुझसे कम है, मेरा जैसे आपने देखा है मेरा सॉफ्टवेयर 2016 है, 2018 है, तो अगले नेक्स्ट बंदे जिसको आप मेल कर रहे हैं उसके पास आपसे लो सॉफ्टवेयर है मीन के 16 है, 14 है, तो उसके पास ये मेल ओपन हो जाएगी। तो अगर मीन के आपने किसी के पास सॉफ्टवेयर इससे भी कम है तो आपने क्या करना है, आपने OP लिख कर इंटर करके यहाँ पे आगे ओपन टू सेव में आपने ये सॉफ्टवेयर जो और इसको आप 2004 कर लें, अप्लाई करें और ओके कर दें। तो ये जो आपकी फाइल जब आप उसे सेव एज करते हैं, जैसे मैंने ये बताया यहाँ पे आके सेव एज के अंदर आके आप ये ड्राइंग सेव करते हैं, यहाँ पे आप जब सेव करेंगे तो ये देखो आपकी हर फाइल जो है वो 2004 के अंदर जो आपने सिलेक्ट किया है या साथ किया है, तो यहाँ पे इधर आकर
वो आपकी इस सॉफ्टवेयर में परमानेंट सेव हो जाएगी। कुछ लोग सेव एज कर लेते हैं, लेकिन वो यहाँ से आके, वैसे वो तो इधर से भी जाती है लेकिन यहाँ पे आके वो भूल जाते हैं, और वो जल्दी में सेव एज करके उसको यहाँ पे चेंज करना भूल जाते हैं, तो वो फाइल जब ओपन करते हैं पीछे से फिर क्लेम आती है कि ये मीनो के ओपन नहीं हो रही है। ये क्यों नहीं ओपन होती? इसलिए कि आप उसके पास, बंदे के पास सॉफ्टवेयर का छोटा है, आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर बड़ा है, वो लेटेस्ट है, तो उसके पास ये ओपन नहीं होगी। जैसे ही आपने ये ऑप्शन कर ली जो मैं आपको बता रहा हूं, तो आपकी फाइल जो है वो लो सॉफ्टवेयर में चली जाएगी, और वहां पे उसके पास अगर लो है तो वो लो में खुल जाएगी। अगर उसके पास भी आप वाला सॉफ्टवेयर है या आपसे एक आधा साल कम है तो वहां पे भी खुल जाएगी। फाइल जो होती है सेव करने के बाद वो अपने बड़े सॉफ्टवेयर में नहीं खुल सकती, अपने छोटे सॉफ्टवेयर में खुल जाएगी। ठीक है, अब जैसे आपने, मैंने पीछे कर दिया, तो अब 2004 से लेके अब तक जितने सॉफ्टवेयर इसके 18 के बिटवीन आ रहे हैं तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। अगर अभी आपने सॉफ्टवेयर 2018 कर लिया और अगले बंदे के पास जिसको आप मेल कर रहे हैं उसके पास सॉफ्टवेयर 2016 है, तो उसके पास ओपन नहीं होगी। तो अब वो बंदा जो है वो परेशान हो जाएगा, ये मेरे पास फाइल नहीं ओपन हो रही। इसकी रीजन यही है कि उनके पास सॉफ्टवेयर छोटा है, 2016 आपके पास 18 है। तो इस कंप्लेन से बचने के लिए आपसे गुजारिश है, आप लोगों से, कि आप इस ऑप्शन को फॉलो कर लें। जैसे आपने कोई फाइल सेव एज की है और उसको आपने यहाँ पे आके जिधर मैंने आपको बताया, आप ओपी इंटर करें, ओपी इंटर करने के बाद ओपन एंड सेव फाइल में आके यहाँ पे आप उसको चेंज कर लें। अब आपने जिस बंदे के साथ आपकी मेल कर रहे हैं उसके पास वो सॉफ्टवेयर पता नहीं कौन सा है, वट एवर, तो आप यहाँ पे आके उसको सेव कर लें। जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, जिसके पास पास आप ड्रेंगे भेजते हैं, लेते देते हैं, तो उस बंदे के पास जो सॉफ्टवेयर है वो आप उसे एक साल काम करके यहाँ पे सेव एज, यहाँ पे आप वो ऑप्शन कर लें। ऑप्शन करने से ये होगा कि उस बंदे को अब जो भी आप ड्राइंग करेंगे वो उसके पास ओपन हो जाएगी। तो ये दोस्त छोटी सी मेरी बात थी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप इसको फॉलो करें, और बहुत सारी कंप्लेन मेरे पास भी आती हैं और अक्सर लोगों के पास ये कंप्लेनें आती हैं कि ये प्रॉब्लम होती है, तो वो जिसको आपने मेल की होती है तो वो बंदा परेशान हो जाता है कि मेरे पास ये ओपन नहीं होती। तो दोस्त रीजन यही होती है जो ओपन होने की, कि उस बंदे ने सॉफ्टवेयर जो होता है वो चेंज नहीं किया होता। तो ये सिंपल सी बात है कि ओपन के अंदर आकर ओपी इंटर करें और यहाँ पे आके आप ऑप्शन चेंज करें, तो आपकी हर फाइल जो है वो उसी सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल होगी। जब उसी सॉफ्टवेयर के अंदर जब ये आपकी जो होगी फाइल वो सेव एज होगी, जब जैसे ये सेव एज होगी तो उसको जिसको भी आप मेल करें उनके पास बड़ी आसानी से खुल जाएगी, तो वो बंदा इसे यूज कर सकता है, इसको उसके ऊपर काम कर सकता है। ऑप्शन सारी की सारी वहीं रहेगी, आपकी लेयर वाट एवर जो भी इसके अंदर आपने वर्किंग किया वो उसके में जरा भी फर्क नहीं पड़ता, ना वो फाइल खराब होगी। जस्ट ये कि अब ना मेल करने वाले को प्रॉब्लम आएगी, ना मेल को ओपन करने वाले को प्रॉब्लम आएगी। वरना यह कि आपने मेल कर दी, उसके पास सॉफ्टवेयर छोटा है, तो वो आपको दोबारा फिर डिस्टर्ब करेगा कि आपकी मेल ओपन नहीं हो रही, तो फिर वो आप बंदे को बोलेगा कि आपने ये सॉफ्टवेयर जो है वो छोटे में करके मुझे भेजे, तो दोबारा फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो इसी सर दर्द के लिए आप ये चीज इसको फॉलो करें। जिस हजरात को नहीं पता, जिस दोस्त को नहीं पता, तो वो इधर आके इसको ओपन करें और इसको सेव करें, और आपने यहाँ पे आके जिस मर्जी आप सॉफ्टवेयर में आके आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, 2010 के अंदर कर सकते थे। करना क्या है, यहाँ पे किया अप्लाई और उसके बाद ओके। अब जब आपने यहाँ पे आके सेव एज करना है, तो जहाँ पे जब सेव एज करेंगे, तो जैसे ये मैंने बताया कि आप एक एग्जांपल मैं डेस्कटॉप के ऊपर कर रहा हूँ, तो ये देखो 2000 नीचे ये देखो नजर भी आ रहा 2010। तो जब जो भी आप फाइल सेव करेंगे वो आपको लो सॉफ्टवेयर में सेव हो रही है, हालांकि मेरे पास ऊपर जो है वो 2018 सॉफ्टवेयर है। तो जब आपने इसको सेव करेंगे, आपने ये मैं इसका नाम रख के आपको बताता हूँ, ये मैंने 3636 एक एग्जांपल के तौर पे मैंने नाम रख लिया, तो ये मैंने सेव कर ली। तो ये डेस्कटॉप के ऊपर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये फाइल सेव होगी। तो दोस्त ये जो फाइल है ये हुई है जो सॉफ्टवेयर होता है, ये देखिए निशाना आ रहा है इसके ऊपर, ये सॉफ्टवेयर जो है ये 2010
जिसके पास 9 है या मीन के 8 है या 7 है या मीन के उसके पास 5 4 जो 2 1 0 जो भी उनके पास आपसे नीचे को सोर्ड वगैरह की ये उनके पास ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों जो ये तरीकेकार है किसी को लो मतलब कि सोर्डवे के अंदर उसको भेजने का तरीकेकार ये है, तो इससे बहुत सारी आप परेशानियों बहुत सारी कंप्लेनों से बच जाएंगे। और जिस बंदे को आप मेल कर रहे हैं वरना ये है कि उस बंदे के पर उसके लिए भी परेशानी, उसके लिए भी सर दर्द बनेगा, आप लोगों के लिए भी सर दर्द बनेगा। तो दोस्तों ये कैड वगैरह यूज करने वालों के लिए बहुत अच्छी मीन के ये चीज है कि आपने ओपी के ऑप्शन के अंदर आकर आपने यहाँ पे आके आप जब भी कोई ये कर ले, जब भी आपको फाइल जो है वो सेव एज करेंगे तो वो आपसे कम जो छोटा सॉफ्टवेयर होगा उसके अंदर वो सेव एज होगी जो आपने ये सॉफ्टवेयर किया होगा। और आप उसको मेल करेंगे उस बंदे का जो भी सॉफ्टवेयर है उन्होंने इंस्टॉल किया होगा, लेटेस्ट नहीं है अगर उनके पास, तो वो इस फाइल को यूज कर सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिसको ये मीन के समझ नहीं आई वो मेरे ये दिए हुए नंबर पर वो कॉल कर सकता है या मैसेज में करके वो मुझसे पूछ सकता है। ये मेरा नंबर नीचे लिखा है, ऑटो गाइड के मंडल का जितनी भी किसी ने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पे। और जिसको जिस चीज की ऑटो गाइड के अंदर या डिजाइनिंग के तलका जे अगर किसी बंदे को समझ नहीं आती तो दोस्त वो इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है और टेक्स्ट कर सकता है। तो दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।